बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आकांक्षा। आज के वीडियो में एक सनस्क्रीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सनस्क्रीन क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स इम्पोर्टेंस मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि सनस्क्रीन यूज़ करना ही है आपको, चाहे आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, घर पर रहते हो बाहर रहते हो, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, पर सनस्क्रीन यूज़ किया करो। सनस्क्रीन यूज़ करते हो तभी आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं ना वो इफेक्टिव होते हैं, नहीं तो आप लोग कहते हो ना कि स्किन काली पड़ गई, ये हो गया वो हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग ट्रीटमेंट्स वगैरह लेते रहते हो, फिर धूप में जाते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो अगर कोई अच्छा सा सनस्क्रीन देख रहे हो तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मिनिमलिस्ट के सनस्क्रीन के बारे में, जो कि एक मल्टी विटामिन सनस्क्रीन है, जो कि आपको SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाई प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा और इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स यूज़ किए गए हैं। ये एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है। हाइब्रिड सनस्क्रीन मतलब इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें यूज़ की गई हैं। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, ऑयल फ्री है, और ये सारी इसकी खास बातें हैं। इसके pH की बात करूँ तो 5.7 to 6.7 इसका pH है। ये 50 ग्राम के पैक में आता है। प्राइस की बात करूँ तो 399 इसका प्राइस है। ऑनलाइन अवेलेबल है, डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँ तो वो लिस्ट प्रोवाइड मैं कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो UVA UVB प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ विटामिन ए B3 B5 EF यूज़ किया गया है, जो कि स्किन को नरिश करेगा, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल वहाँ से देख सकते हो। जब आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, ईजिली अब्जॉर्ब हो जाएगा, वाइट कास्ट नहीं करता है, पता भी नहीं चलेगा, इतने अच्छे से आपकी स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बहुत इंस्टेंट एब्जॉर्ब होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे सनस्क्रीन होते हैं ना जिनको लगाने के बाद थोड़ी देर बाद स्किन डार्क नज़र आती है, तो इसको लगाने के बाद वो वैसा कुछ भी नहीं होता है। और मेकअप आप अगर कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। इस सनस्क्रीन में रेटिनॉल भी यूज़ किया गया है। अब आप कहोगे तो रेटिनॉल तो दिन में यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर रेटिनॉल लगा के आप धूप में नहीं जा सकते हो फिर सनस्क्रीन में क्यों रेटिनॉल यूज़ किया गया है। तो ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ किया गया है, जो कि बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, सेफ है। एक बात और, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और वैसे इसको सारे स्किन टाइप्स वाले यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी स्किन टाइप हो, आपका कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं सनस्क्रीन को अप्लाई कैसे करना है। तो आप पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए, मतलब क्लेंजिंग कीजिए, टोनिंग कीजिए, सीरम वगैरह आप यूज़ करती हैं तो वो लगाइए, इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइए और फिर आप ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकती हैं। और ये सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर आप मेकअप वगैरह करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये सनस्क्रीन लगाना है, अच्छे से नेक पे, ईयर पे बिल्कुल लगाना नहीं भूलें, नहीं तो क्या होता है कि आपका चेहरा तो सही रहता है, आपके नेक की स्किन और ईयर्स काले काले नज़र आते हैं। तो अच्छे से पूरे पर लगा लीजिए, और रीअप्लाई करना सनस्क्रीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक धूप में रहते हो और उसको रीअप्लाई नहीं करते हो तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसलिए रीअप्लाई करना ना। अगर आप कोई अच्छा सा सनस्क्रीन देख रहे हो जो अच्छे से काम करे और अफोर्डेबल भी हो, तो मुझे ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है, और इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएंगे, तो बिल्कुल एक बार परचेज़ करके देखो और यूज़ करो। और एक बात और, अगर आप कोई सनस्क्रीन ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो वो आपको सूट कर रहा है तो फिर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप वही कंटिन्यू करो। और कोई आप एक अच्छा सनस्क्रीन देख रहे हो तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में परचेजिंग लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।